मेरा नाम डॉक्टर हाफिज आसिम हुसैन है। करंटली मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMSCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाहौर काम कर रहा हूँ। देही इलाकों में चूंकि रिसोर्सेज जितने हमारे पास अर्बन इलाकों में, इतने वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, ना वहाँ उस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ना वहाँ लोगों में अवेयरनेस है, ना तालीम है और ना सेहत है। पाकिस्तान के देही इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए मीलों दूर तक सफर करना पड़ता है और यहाँ मेरे क्लिनिक से पहले जो थी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, खासकर डिलीवरी के हवाले से। जब ये नाले में पानी वगैरह आ जाते हैं, मौसमी बारिशें होती हैं, तो इस तरह की पेशेंट्स को गाड़ियाँ नहीं होती, चारपाइयों पर उठाकर बहुत मुश्किल से ले जाया जाता था। डिस्ट्रिक्ट पिशावर सरा तालुक सातम। मेरा नाम फरा है। 2014 से एज अ सुपरवाइजर काम करना शुरू किया। तब जहलम में सिर्फ 13 क्लिनिक थे। लोगों को बताना शुरू किया कि दनक हेल्थ केयर माँ और बच्चे की सेहत पे काम कर रही है। वक़्त मंडी बावलदीन, गुजरात और जहलम में 60 क्लिनिक्स हैं। मुल्क में सेहत के इन मसाइल से निपटने के लिए DKT पाकिस्तान ने मुल्क भर में इंटरनेशनल डोनर्स की शराकत से 1250 से ज़ायद क्लिनिक्स कायम की। I'm Dr. Masuma Zaidi and I'm the senior project coordinator for health sector in KFW. I see Dhana clinics as really complementing the public sector since there are not many facilities when you really go into or go into deep penetration into the rural sector. Dhana clinics played a very important role with all the availability of the products and services. Mera naam Dr. Nasir Mohiuddin hai and I have been working as director general technical. Dhana clinics ne apni credibility establish kar li hai. So I believe ke Dhana clinic ki ye jo saakh unhone banayi hai aur DKT ka jo quality assurance mechanism hai, दोनों चीज़ें मिलजुल कर लोगों का एतमाद कंटिन्यू करेंगी और लोग जो है इनकी सर्विसेज को मज़ीद यूटिलाइज करते रहेंगे। साल ने अस्पताल जी होंगे ना सियाँ तो कोई बीमार हो, बीपी आई हो, मन सिर खड़ना पैदा, शेर खड़ना पैदा, घड़ी खड़ना पैदा, आने है कि आसमान को अस्पताल मिली है तो सुख हो गए। DKT KFW ने मिल के जो गवर्नमेंट के साथ जो धनक के रहने चलाए, उन्होंने लोगों को सहूलियात दी। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि ये शराकत ऐसी ही चलती रहे और बस लोगों को और भी इसमें फ़ायदा हो और हमारी वो सपोर्ट करें। पाकिस्तान के देही और दूर दराज इलाकों में 1250 से ज्यादा धनक हेल्थ केयर सेंटर्स मौजूद हैं। इनमें 2000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए गामजन हैं। इन कोशिशों में जर्मन अवाम का खुलूस और KFW का साथ पेश पेश है।